एक ऐसी वादी जो जिन्नों, परियों, भूतों, देवों और अजीबुल खिलकत मखलूक के मुतालिक जानी जाती है। ऐसा पहाड़ जहां हमेशा अंधेरा रहता है, चांद सूरज की रोशनी वहां कभी नहीं पहुंचती। वो वादी जहां आज तक कोई शख्स नहीं पहुंच सका। क्या ये वादी जिन्नों का देश है या किसी और दुनिया में जाने का कोई पुरअसरार रास्ता? कोहे काफ का नाम सामने आते ही कोई गुमशुदा अरबी कहानियाँ जहन में जाग उठती है। ऐसी कहानियाँ जो बादशाहों की हसीन शहजादियों से शुरू होकर जिनों और परियों के जेर कब्ज़ा हैबतनाक किलों और तिलिस्म से जुड़ी होती है। ऐसी कहानियों का मरकज़ आम तौर पर यह होता है कि फ़लाँ मुल्क के ताकतवर बादशाह की हसीन और नर्म व नाजुक शहज़ादी को फ़लाँ जिन या देव ने अगवा किया और कोहे काफ के किसी वादी के तारीक महल में ले जाकर क़ैद कर दिया। इस तरह की कहानियाँ हिंदुस्तान, ईरान और अरब इलाक़ों के अफसानवी और अदबी किताबों में अहम मकाम रखती है। तहरीरी शक्ल में मौजूद होने के अलावा ये दास्तानें सीना बसीना रिवायतों की शक्ल में भी मुंतक़ल हुई हैं। जबल काफ या कोहे काफ मशरिकी वस्ता और अरबों के मशहूर अफसानों में एक अफसानवी पहाड़ी सिलसिले का नाम है। इस्लामी रिवायतों में कोहे काफ को जिन्नों का वतन कहा जाता है, जिसे खुदा ने चमकते ज़ुमरुद से बनाया है, जबकि ईरानी रिवायतों के मुताबिक ये इलाका शुमाली कफकाज के इलाकों में था, जिस इलाके को इंसानों के किसी हुकूमत ने भी आज तक कब्ज़ा करने से नाकाम रहा, क्योंकि कदीम इल्म ने इन बुलंद पहाड़ी इलाकों को इसरार में ढांप रखा था। कोहे काफ दरअसल एक तवील पहाड़ी सिलसिला है। ये ज़मीन का सबसे दूर दराज मकाम कहा जाता है, जो दास्तानों में जरतुश्त की ज़मीन और सीमुर्ग नामी परिंदे की वजह से मशहूर है। कहते हैं कि कोहे काफ सब्ज़ ज़ुमरद पर मुश्तमिल है, जिसके अक्स ने आसमान को सब्ज़ रंग अता किया है। कोहे काफ को जिन्नों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ ज़माने कदीम में जिन्नात की नस्लों ने बहुत सारी हुकूमतें कायम की थी। इमाम कज़वीनी लिखते हैं कि कोहे काफ कई इलाकों में मुनक़सिम है, जिसमें 70 ज़मीनें चांदी की हैं, 70 ज़मीनें सोने की हैं और 70 मुश्क की। अरबी किताबों के मुताबिक काफ पहाड़ी सिलसिलों में सबसे ऊंचा था, जो अल्लाह की तरफ से ज़मीन को सहारा देने के लिए बनाया गया था, और इस दुनिया में जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं तमाम सिलसिलों की शाखें ज़ेर ज़मीन कोहे काफ से जुड़ा है। इस तरह कोहे काफ, जो इस ज़मीन का सबसे बड़ा पहाड़ है, तमाम पहाड़ी सिलसिलों का मरकज़ है। ज़करिया अल-क़ज़वीनी ने 13वीं सदी में अजाइबुल-मखलूक़ात व गराइबुल-मौजूदात नामी एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने कॉस्मोलॉजी के मुताबिक ये नज़रिया दिया है कि आसमान को खुदा ने थाम रखा है ताकि वो ज़मीन पर ना गिर पड़े। इस ज़मीन के चारों तरफ पहाड़ों का एक तवील सिलसिला है, जिसमें कोहे काफ भी शामिल है, जो उन सिलसिलों को खूंटी की तरह अपनी जगह पर रखता है। इसी तरह मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग जलालुद्दीन रूमी ने अपनी तहरीरों में कोहे काफ का जिक्र कुछ यूँ किया है कि ताकतवर बादशाह सिकंदर ज़ुल्क़रनैन ने आब हयात की तलाश में मशरिक़ का सफ़र किया था। इस सफ़र के दौरान आप कोहे काफ तक जा पहुँचे थे। जब आप कोहे काफ पहुँचे तो आपने देखा कि वहाँ फ़रिश्ता इसराफ़ील क़यामत के दिन सूर फूँकने का इंतज़ार कर रहे हैं। कोहे काफ और इसमें आबाद मखलूक़ात के मुतालिक एक और रिवायत बयान की जाती है कि हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए, जबकि हम मस्जिद नबवी में हल्का बनाकर बैठे हुए थे। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, क्या कर रहे हो? हमने अर्ज़ किया, हम सूरज के मुतालिक गौर कर रहे हैं कि वो कैसे तुलू होता है और कैसे गुरूब होता है। फरमाया, तुमने अच्छा किया। इस तरह से मखलूक में फ़िक्र करो, खालिक में फ़िक्र ना करना, क्योंकि अल्लाह जिसके लिए जो चाहता है पैदा करता है। तुम इससे ताज्जुब करो कि कोहे काफ से आगे 7 समुंदर हैं। हर समुंदर 500 साल सफ़र करने के बराबर तवील है, और उसके आगे 7 ज़मीनें भी हैं जिनका नूर उनके बासियों के लिए चमकता है। उस कोहे काफ के आगे 70,000 मखलूक़ात हैं जो उड़ती हैं। उनको परिंदों की शक्ल में पैदा किया गया है। ये मखलूक और उनका बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ने लगते हैं। ये अपनी तस्बीह की अदायगी में ज़र्रा बराबर वक्फ़ा नहीं करते। उनका खाना भी हवा है, उनका पीना भी हवा है, उनका लिबास भी हवा है, उनके बर्तन भी हवा के हैं। वो ये नहीं जानते कि अल्लाह ने हज़रत आदम को पैदा किया है, और ना इबलीस को जानते हैं और ना ही इबलीस की औलाद को जानते हैं। अल्लाह ने कोहे काफ को दुनिया के गिर्द तख्लीक किया है। ये तमाम दुनिया इस पहाड़ के दरमियान में ऐसे मौजूद है जैसे एक उंगली में अंगूठी। कोई इंसान वहाँ पहुँच नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पहुँचने तक 4 महीने अंधेरे से गुजरना पड़ेगा। ये वो पहाड़ है जहाँ कोई सूरज नहीं, कोई चाँद नहीं। यहाँ तक कि ये लोग चाँद और सूरज के बारे में भी नहीं जानते कि अल्लाह ने चाँद और सूरज भी तख्लीक की है। जो रोशनी उन तक पहुंचती है वो काफ पहाड़ की रोशनी है, और वहाँ मौजूद लोग जड़ी बूटियाँ खाते हैं और उनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या वो लोग फरिश्ते हैं? आपने इरशाद फरमाया, नहीं, वो फरिश्ते नहीं, लेकिन अल्लाह से उनकी फर्मा बरदारी बिल्कुल फ़रिश्ते की तरह है। फिर आपने फरमाया कि मेराज की रात उनकी मुलाकात कोहे काफ के लोगों से हुई थी, और वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया और वो मुसलमान हो गए। सूफिया कराम के नज़दीक दरअसल कोहे काफ इस ज़मीन में मौजूद कोई पहाड़ नहीं, बल्कि कोहे काफ से मुराद आलम मिसाल में वाक़े वो पहाड़ी सिलसिला है जो बज़रिया कश्फ औलिया कराम के मुशाहदे में आते हैं। जैसा कि ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार जैसे सूफिया ने इस तस्वुर का मुशाहदा किया है। तरीक़त में कोहे काफ को शऊर का एक दायरा और मुरीद का हद समझा जाता है, जिसे पाकर बंदा फ़ना फ़ी अल्लाह के दर्जे तक पहुँच जाता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये लफ्ज़ काफ किसी चीज़ की मरकज़ को ज़ाहिर करता है, और ये लफ्ज़ इतना मुक़द्दस है कि कुरान में पूरी एक सूरे का नाम सूरे काफ है, जो इस कोहे काफ पहाड़ की तरफ इशारा करता है। इस सूरा में अल्लाह की वहदानियत, मौत और ज़िंदगी का नज़रिया पेश किया गया है। कोहे काफ जोग्राफियाई एतबार से हमारी इस ज़मीन में कहाँ मौजूद है, इसके मुतालिक मुख्तलिफ़ नज़रियात पाए जाते हैं। ज़्यादातर मवर्रखीन का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि अरबी दास्तानों की कोहे काफ दरअसल मौजूदा रूस में कफकाज यानी माउंट कॉककस नामी एक पहाड़ी सिलसिला है। ये इलाका यूरोपी रूस में बहरे अस्वद और बहरे कज़वीन के दरमियानी हिस्सा है, जिसमें आर्मीनिया, आज़रबाईजान, दागिस्तान, रूस और चीचनिया जैसे मुल्क शामिल है। ये इलाका कुदरती हुस्न से माला माल है, जहाँ जानवरों और परिंदों की बेशुमार अक़साम पाई जाती हैं। झीलें, आबशारें और छोटे छोटे चश्मे देखकर ऐसा मालूम होता है गोया जन्नत ज़मीन पर उतर आई है। यहाँ इंसानी आबादी बहुत ही कम है। ये पहाड़ी सिलसिला एशिया को यूरोप से जुदा करता है। अगर कोहे काफ को खिलाई सैटेलाइट से देखा जाए तो ये इलाका सफ़ेद पट्टी जैसा नज़र आता है, जबकि बाज़ मुहक्किकीन का ख्याल है कि कोहे काफ अंटार्कटिका के उन वीरान और बर्फीले इलाके में मौजूद है जो हमेशा बादलों और अंधेरों से ढका होता है, जबकि कुछ लोग कदीम दौर के अटलांटिस सिटी को ही कोहे काफ करार देते हैं, जो किसी बड़े अजाब की वजह से तबाह हो चुका है। जदीद फिज़िक्स की नई दरियाफ्त यानी डायमेंशंस भी कोहे काफ को समझने में आसानी पैदा कर सकती है। दरअसल फ़िज़िक्स की जदीद तहक़ीक़ के मुताबिक हमारी इस कायनात में कुल 11 डायमेंशंस वजूद रखते हैं, जबकि हम इंसान सिर्फ 3 या 4 डायमेंशंस में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि हम टाइम और स्पेस के क़ैद में ज़िंदगी गुजारते हैं। उन मज़ीद 6 डायमेंशंस में कितने सितारे, सैयारे और दुनिया आबाद हैं, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही है। मुहक्किकीन के मुताबिक अरवाह की दुनिया, आलम बरज़ख और जन्नत व जहन्नम उन्हीं डायमेंशंस में मौजूद हैं जिनमें इंसान मौत के बाद दाखिल होता है। मुमकिन है कि कोहे काफ भी उन्हीं 11 डायमेंशंस में से किसी एक डायमेंशन में मौजूद हो, जहां नस्ल इंसानी का कदम रखना नामुमकिन है।